लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त और मंडल क्रिकेट एसोसिएशन से संबद्ध राज्य स्तरीय लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का मैच शुक्रवार को वाराणसी और मेरठ के बीच खेला गया, जिसमें वाराणसी की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करते हुए मेरठ की टीम ने 38 ओवरों में 145 रनों पर सिमट गया। वहीं मेरठ की ओर से हरदीप सिंह ने 31 रन तथा हर्ष त्यागी ने 20 रनों का योगदान दिया, जबकि सत्यम और विजय ने 17-17 रनों का योगदान दिया और वाराणसी के आशीष यादव ने 3 विकेट तथा यशोवर्धन और अविनाश यादव ने 2-2 विकेट और शमसूल और आशीष सिंह ने 1-1 विकेट लिया, जिसके जवाब में उत्तरी वाराणसी की टीम ने 32वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 146 रनों के लक्ष्य को पूरा कर लिया और मैच में जीत हासिल की, जिसमें भास्कर ने 39 रन बनाए जबकि आशीष यादव ने नाबाद 24 रन बनाए। इसके अलावा यशोवर्धन ने 22 रनों का योगदान दिया। अंकुश नागर, विजय अंकुर, ऋतुराज और हरदीप को 1-1 विकेट मिले। मैच के उपरांत मैन ऑफ द मैच पुरस्कार ट्रॉफी और नगद राशि के साथ वाराणसी के आशीष यादव को प्रदान किया गया। इस अवसर पर लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव, एकेडमी के उपाध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, एकेडमी के कोषाध्यक्ष अम्बुज श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव डॉक्टर मुदित गुप्ता, डॉक्टर मनोवर यशवीर सिन्हा, प्रेम शाही, अजीत श्रीवास्तव, आदित्य शुक्ला बावला, राकेश शुक्ला, मिर्जा आलमदार, पंकज मिश्रा, मनीष सिंह, पारितोष बांगड़, सर्वेश श्रीवास्तव, अरविंद मिश्रा, मुन्ना, विनय चंद्र कौशिक, गुलाम साबिर, तारिक सिद्दीकी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बराबर हो गया है, ये जो है छोटा हो गया, इधर वाले विकेट हो रहा है। तो खाली को लगता है रेल से खेलने के चक्कर में बस।